नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग आरपीएससी ग्रेड सेकंड मैथमेटिक्स विषय से अच्छी गति से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है जो काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चल रही होगी। कुछ एक ने मुझे मैसेज करके भी बताया था और उसी में चूंकि आज एक ट्वीट किया गया है फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा कि भाई रीट का जो एग्जाम है वो पुराने पैटर्न से ही होगा, है ना। रीट का एग्जाम पुराने पैटर्न से ही होगा, स्वागत योग्य है, क्यों ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सारे एग्जाम सीईटी के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे वो ट्वेल्थ लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, पक्की बात है वो भी दो बार होंगे, तो भी रीट एग्जाम को हम क्यों एक बार करवाएं। डेफिनेटली ये दो बार हो रहा है, स्वागत योग्य है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। 20 से 25 लाख के आसपास स्टूडेंट बैठेंगे तो उनके भविष्य के बारे में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, इसलिए दो बार होना भी चाहिए, पात्रता और फिर मेन एग्जाम। लेकिन इस वीडियो में जो मुद्दा है वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये हर बार इसी प्रकार की कंडीशन क्यों बनती है। क्या कंडीशन बनती है कि कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करने वाला होता है उसके सामने दिक्कत क्या आती है, सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तीनों एग्जाम जो है वो लगभग एक ही समय पर आ जाते हैं। 2022 में भी बिल्कुल यही कहानी थी, 2022 की भी यही कहानी थी। ग्रेड फर्स्ट अक्टूबर में हुआ, ग्रेड सेकंड दिसंबर में हुआ, ग्रेड थर्ड फरवरी में हो रहा है। हर दो दो महीने में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और ये वो एग्जाम स्टूडेंट जो तीन तीन चार चार साल में निकलते हैं, तो ये मुझे लगता था जस्टिस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ में। एक पूरा एक टाइम टेबल बनना चाहिए और इस बात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि सबसे पहले आप ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम निकालें, उसकी विज्ञप्ति निकालें, 6-8 महीने तक उसके अलावा आप कोई और दूसरा एग्जाम न निकालें, 6-8 महीने तक। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में जब इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाए फिर आप ग्रेड सेकंड की भर्ती निकालें। इससे क्या होगा कि अब चूंकि अब तीनों भर्तियां एक साथ आती हैं, 22 में भी यही हुआ और मुझे लग रहा है कि इस बार 24 में भी यही कहानी होगी, तो बहुत से स्टूडेंट जो लायक होते हैं ग्रेड फर्स्ट के उनको मन मार के भी ग्रेड थर्ड की या ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां सीट्स ज्यादा होती हैं। घर वाले कहते हैं कि भाई बेटा एक बार एग्जाम में बैठ जा, एक नौकरी हाथ लग जाएगी, क्यों सीधा फर्स्ट ग्रेड को देख रहा है। तो कई बार अच्छे पोटेंशियल वाले स्टूडेंट जो लायक होते हैं, कैलिबर होता है फर्स्ट ग्रेड का, राजपत्रित अधिकारी का, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करके ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने इस मुद्दे को पहले भी कई बार बताया है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या क्यों ये रीजन दिखता नहीं है कि जब आप ग्रेड सेकंड की तैयारी वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसी के पैरेलल आप ग्रेड थर्ड की भी निकाल रहे हैं, तो भी स्टूडेंट के सामने जब 4 साल में एक बार वैकेंसी आएगी या 3 साल में वैकेंसी आएगी तो फिर उसके सामने ये बहुत बड़ा पेच फंस जाता है कि तैयारी तो किसी एक की होगी, दो नावों पर सवार आप आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दोनों किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कभी भी एक साथ नहीं कर सकते हो, भले ही आप अपने मन को बहलाने के लिए कर लो लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनली आपको रिजल्ट चाहिए। एक एग्जाम की तैयारी करके तो एक स्टूडेंट निकाल नहीं पाता, दो एग्जाम की तैयारी वो कैसे करेगा, ठीक है। तो सर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि प्रैक्टिकली देखा जाना चाहिए कि क्यों 22 में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, 18 वाली बात अलग थी, बाकी वो भी साथ साथ ही हो जाता, उसमें तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम थोड़ा लेट हो गया था लेकिन वो भी पैदल ही था। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट के साथ, मुझे लग रहा था इनजस्टिस हो रहा है क्योंकि तीनों एग्जाम जब पैरेलल दो दो महीने के गैप में हो रहे हैं और मुझे लगता है कहानी इस बार भी कुछ ऐसी होगी, कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, तो वो अपनी तैयारी किस और रखे। वो मन मार करके मैं कह रहा हूँ ना, वो ग्रेड फर्स्ट के लायक होता है लेकिन कई बार वो ग्रेड थर्ड की तैयारी करता हुआ रहता है और ग्रेड थर्ड में सेट हो जाता है, फिर ग्रेड फर्स्ट आती है फिर 3 साल बाद, तब वो सोचता है बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सुधार हमेशा होना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी चीज है जिसको कि संज्ञान में लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भाई एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वैकेंसी आनी चाहिए हर 6-6 महीने के अंदर। अगर आप हर 2-2 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाओगे, जो एग्जाम हर साल तो हो नहीं रहा, या तो एग्जाम हर साल कंडक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, चल इस बार नहीं तो अगले साल, लेकिन जब एग्जाम 3-3, 4-4 साल में कंडक्ट हो रहा है तो फिर आप इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हो कि भाई हम चूंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम थर्ड ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे थे, वो रीजन स्टूडेंट को बनाना पड़ता है। वो तैयारी भी करना चाहता है लेकिन कह रहे क्या सीट्स कम है, प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर कि अगर ये नहीं मिला तो ग्रेड थर्ड भी जाएगा या ग्रेड सेकंड भी जाएगा।
उसमें एक प्रैक्टिकली चीज है जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए शीर्ष लेवल से कि वैकेंसी हमेशा ग्रेड फर्स्ट किया है ताकि उस पर चयनित विद्यार्थी ग्रेड सेकंड में नहीं जाए। नहीं तो क्या होता है, एक स्टूडेंट तीन तीन जगह भी सिलेक्ट हो रहा है और सीट्स खाली जा रही है। ये भी एक प्रैक्टिकल मुद्दा है और इसी के लिए संघर्ष कहां हो रहा है, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड के अंदर तीन तीन बार काउंसलिंग करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सीट खाली जा रही है, एक बंदा सब में सिलेक्ट होकर के बैठा है और वो जॉब कर रहा है तो दूसरी जगह क्यों काउंसलिंग के लिए जाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकली चीज है। मुझे लगता है हमेशा से कि ग्रेड फर्स्ट पहले आ जाए, फिर वो कंडक्ट हो जाए 6-8 महीने के अंदर, फिर ग्रेड सेकंड आ जाए, फिर ग्रेड थर्ड, ताकि जिसको ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी है वो उसी की तैयारी करे, या जिसको ग्रेड फर्स्ट की करनी है उसको पता चल जाए कि भाई मुझे ग्रेड फर्स्ट में ही तैयारी करनी है, ताकि वो कंफ्यूज नहीं रहे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करे अपनी योग्यता के साथ में। ज्यादातर मैंने देखा कई बार ऐसा ही होता जा रहा है कि ग्रेड फर्स्ट के लाए कि वो ग्रेड थर्ड की तैयारी करता रहता है, क्योंकि सीट्स ज्यादा रहती हैं, एक बार जॉब मिल जाए बाकी आगे देखा जाएगा, है ना। तो उसमें देखिए ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर बात आगे तक जानी चाहिए। एक मुद्दा है कि सर रीट एग्जाम की चूंकि 2 बार पैटर्न हो रहा है तो भाई प्री कब तक हो सकता है, प्री और प्री हो रहा है तो फिर सेकेंड ग्रेड की तैयारी करूं या रीट की तैयारी करूं, ये फिर एक मुद्दा सामने आ गया। तो उसमें देखिए प्री मुझे लग रहा है कि आपके अगर सितंबर तक वैकेंसी आती है तो आपके दिसंबर तक प्री हो सकता है और वही फिर आपका नेक्स्ट है 25 में, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2022 में क्या स्थिति थी। 22 में आपका रिट प्री और मेंस के बीच में आपके 8 माह का गैप था, कि प्री जो था वो आपके जुलाई लास्ट में हुआ था और मेंस जो हुआ था वो आपके फेब लास्ट में हुआ था, यानी कि आपके 8 महीने का गैप था। वो मुझे लगता है इस बार भी वही कंडीशन रहेगी। अब डिपेंड करेगा प्री कब कंडक्ट होता है, BACR कब एग्जाम को कंडक्ट करवा पाती है उस पर मेन फोकस। अगर वो इस साल नवंबर दिसंबर तक हो गया तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर तक आपका मेंस हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड फिर फंसेगी, फिर कॉम्प्रोमाइज की बात आएगी। तो मैं कह रहा हूं आपको मन लगा करके एक एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए, ग्रेड थर्ड के लिए मैं आपको अभी से सजेस्ट नहीं करूंगा, स्पेशली उनको जिनका की पिछला पात्रता निकल चुकी है, उनको अब मेंस के बारे में अभी से ज्यादा नहीं सोचना है। पहले पात्रता होगी, रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, उसके पहले मुझे लगता है कि आपका ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स का पात्रता हासिल हो चुका है वो इधर रिट की तरफ ज्यादा नहीं सोचे और वो मन लगा करके ग्रेड सेकंड में संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करते रहे, उसको सेमीफाइनल समझे। बिल्कुल उसको ऐसा मत समझे कि सर हम देने चले गए, सीट्स कम थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे एक्सक्यूज नहीं रखें, पूरी मन लगा करके तैयारी करें। कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पिछले 6-8 महीने से तैयारी सीरियस कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, घर पर भी पढ़ रहे हैं, भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो और किसका होगा, 8-10 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है, ज्यादा एक साल मान लो, है ना। तो इतना स्टूडेंट 70,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भराया ग्रेड सेकंड संस्कृत विभाग में, तो उसमें से 10% भी गिने तो 5,000 से 7,000 तो उसमें से बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि अभी आपको रीट के बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, पात्रता आपके पास हासिल तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको ग्रेड सेकंड की तैयारी कर लेनी है। हो सकता है ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट, जो भी आपका पीजी है तो आप ग्रेड फर्स्ट की करें, नहीं तो अगर आप यूजी हैं और बीएड हैं तो आप ग्रेड सेकंड की करें। हो सकता है एग्जाम ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड का किसी का भी पहले कंडक्ट हो जाए काफी ग्रेड थर्ड से, तो आपको अभी जो एग्जाम मुझे लगता है कि शायद वैकेंसी पहले भी आने की संभावना है सितंबर तक, तो आप पहले जो एग्जाम सामने दिख रहा है उसकी तैयारी करें, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की चल रही है उसी के पैरेलल सेकंड ग्रेड की तैयारी की तरह, कन्फ्यूज नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, सर सूचना सहायक की भर्ती आ गई उसमें लग जाते हैं, सर पटवारी की भर्ती आ गई उसमें लग जाते हैं, सर सीईटी की भर्ती आ गई उसमें लग जाते हैं, ऐसे बार बार आप गोल बदलते रहेंगे तो आप खुद आत्मघाती गोल के शिकार हो जाएंगे। तो कन्फर्म स्टूडेंट काफी बड़ी संख्या में हर वैकेंसी आने वाली है, तो कोई एक आपको सिरा एक एंड पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है तो उसकी करनी है, अब उसमें से कौन सी ग्रेड की करनी है उस पर सभी को लिया मन तो लग जाता है ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन सभी में थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में, और अगर सिलेक्शन पॉइंट से नहीं हुआ तो वो भी फेलियर होता है और 100 नंबर वाला भी फेलियर होता है ना। कोई नहीं पूछ रहा आपको, अगर आप 0 पॉइंट से भी रह गए तो सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता संवेदनाओं के अलावा, है ना। तो एक आपको कंफर्म कर लेना है कि मुझे ग्रेड किसकी करनी है, शिक्षक भर्ती की भी करनी है, करनी पटवारी की करनी है तो पटवारी भर्ती भी आएगी उसकी तैयारी करिए, है ना। नहीं तो फिर क्या, हर 2-2 महीने में आप अपनी तैयारी बदलते रहेंगे तो कहीं पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2022 में ऐसा ही हुआ बहुत से स्टूडेंट के साथ, तो ऐसा ही इस बार नहीं हो, एक एग्जाम पकड़िए, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, सारी आएंगी, एक एग्जाम पकड़िए उसी की तैयारी करते रहिए, बस यही मेरा मैसेज है। एक तो यह था कि
शीर्ष क्रम तक बात पहुंचे कि भाई ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, हर दो दो महीने में एग्जाम कम से कम कंडक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि किसी के साथ जस्टिस नहीं होता है उन बेरोजगारों साथ। या तो एग्जाम हर साल कंडक्ट हो, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे हर माह और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो वैकेंसी आएंगी। अगर हर साल आ जाता है कुछ कुछ सीट के लिए, जैसे कि ग्रेड सेकंड इस साल वैकेंसी आई, चलो अगले साल भी तो 2026 में आ जाए कुछ सीट्स के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वैकेंसी तो हर तीन तीन चार चार साल में आती है, 18 में आई थी, 22 में भी आपके मार्च में वैकेंसी आई थी, मार्च अप्रैल में, और अब 24 में आएगी, लगभग 2.5 साल तो हो ही जाएंगे, है ना, उसमें एक बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर वैकेंसी हर टाइम हर साल नहीं आती है तो फिर वो स्टूडेंट के लिए हमें प्रॉब्लम है कि भाई वो किसी एक या दो को उसको छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो मुझे सही नहीं लगता है। या तो हर साल आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। तो आपको कोई भी एक वैकेंसी पकड़ करके और उसके लिए मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर सोशल मीडिया के चक्कर में आप अगर यही ढूंढते रहोगे मुझे किसकी तैयारी करनी है नहीं करनी है, दूसरों के बेस पर अपना डिसीजन लोगे, तो फिर आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।